चल रहे हैं सबके, और इन नवरात्रों में लेडीज को चिप्स भी याद आ जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मसाला चिप्स। सुशीलास किचन में बनेंगे मसाले वाले चिप्स। ये जो चिप्स की रेसिपी है ना, ये है मेरी सिस्टर की। तो वो चिप्स कैसे बनाती है, आइए बताती हूँ आपको। बहुत ही चटपटे चिप्स बनेंगे। एक बार खाओगे ना तो बार बार यही चिप्स बनाने का मन करेगा। आइए, शोभा की रेसिपी से आलू के चिप्स कटिंग करके उनको अच्छे से धो लो। उसके बाद पानी में हरा धनिया, हरी मिर्ची, करी पत्ता, थोड़ा पुदीना, नमक व्रत वाला, और लाल मिर्ची यदि खाते हो तो लाल मिर्ची, नहीं तो काली मिर्ची, ये डाल के और पानी में उबलने के लिए रख दो। जब दो उबाल या आ जाए और चिप आलू के जो चिप्स है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तब इनको पानी में से निकाल लो और चलनी में डाल के और इनको एक साड़ी पर या कॉटन कपड़े पर फैला दो। ये जो चिप्स है ना, ये धीरे धीरे सूखेंगे। आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हो, और जब व्रत के लिए ना बनाने हो ना, तब थोड़ा सा इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं और अनियन का रस भी डाल सकते हैं। तो ये जो चिप्स है ना, ये हम छांव में ही सुखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बड़े से टेबल पर चद्दर लगा के कॉटन की और एक एक चिप्स को फैला दिया और ऊपर चला दिया फैन। तो ये जो चिप्स है ना, ये गर्मी का मौसम तो है, ये जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। ये देखो जरा, सूखने पर हमारे चिप्स ऐसे हो गए हैं और तलने पर इस तरह से तले गए। ये चिप्स बहुत ही बढ़िया बने हैं, शानदार चटपटे चिप्स। आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू शोभा इतनी अच्छी रेसिपी बताने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी। बना रहे हो ना आप? फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं वेट करूंगी आप सबके फीडबैक का। लाइक शेयर कमेंट करते रहा कीजिए तो हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो फिर मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ। जय माता की।